जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं असरदार टोटके। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाने के विषय में, आपके घर में धन संपदा और सुख समृद्धि लाने के विषय में। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए या पड़ जाए काला, तो हो जाए सावधान। दोस्तों, अधिकांश हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। तुलसी को देवी का रूप माना जाता है। कभी कभी तुलसी का पौधा कुछ कारणों से सूख जाता है। ऐसे में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा घर में होने से घर वालों की बुरी नज़र प्रभावित नहीं कर सकती, घर वालों को किसी भी तरह की, और अन्य बुराइयाँ भी घर और घर वालों से दूर ही रहती हैं। तुलसी का पौधा घर का वातावरण पूरी तरह से पवित्र और कीटाणुओं से मुक्त रखता है। इसके साथ ही देवी देवताओं की विशेष कृपा भी उस घर पर हमेशा बनी रहती है जहां पर तुलसी होती है। कभी कभी कुछ कारणों से तुलसी का पौधा सूख जाता है। सूखे हुए तुलसी के पौधे को घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। एक पौधा सूख जाने के बाद तुरंत ही दूसरा तुलसी का पौधा लगा लेना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है, इससे विपरीत परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। घर की बरकत पर बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से घर में हमेशा पूरी तरह स्वस्थ तुलसी का पौधा ही लगाया जाना चाहिए। तुलसी का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से भी तुलसी एक औषधि है। आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी बूटी के समान माना जाता है। तुलसी में कई ऐसे गुण होते हैं जो बड़ी बड़ी जटिल बीमारियों को दूर करने और उनकी रोकथाम करने में सहायक हैं। तुलसी का पौधा घर में रहने से उसकी सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और हवा में मौजूद बीमारी के बैक्टीरिया आदि को नष्ट कर देती है। तुलसी की सुगंध हमें श्वास संबंधी कई रोगों से बचाती है। साथ ही तुलसी की एक पत्ती हर रोज सेवन करने से हमें कभी बुखार नहीं आएगा और इस तरह के सभी रोग हमसे हमेशा सदा सदा के लिए दूर रहेंगे। तुलसी की पत्ती खाने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे हम छोटे छोटे बीमारियों के शिकार नहीं होते। तो देखा दोस्तों, तुलसी कितने कमाल की है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।